हज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ज़मीन धंसने वाले इस वाक़े को हदीस मुबारका से जोड़ करके देखेंगे। ज़मीन धंसने वाले इस वाक़े को आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि राजस्थान के बीकानेर के आसपास किसी गांव में ज़मीन धंसी है। वीडियो भी चल रहे हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। और एक हदीस मुबारका भी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उस हदीस का मफहूम बता देता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया कि कयामत आने से पहले तीन जगह पर ज़मीन धंसेगी, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जज़ीरा अरब में। अब अरब से अगर देखा जाए तो जिस जगह पे अभी ये ज़मीन धंसी है, ये इलाका मशरिक में, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हम राजस्थान के लोग हैं तो हमारे राजस्थान के यहाँ से अरब जो है वो मगरिब की तरफ पड़ता है और अरब से हमारा जो इलाका है वो मशरिक की तरफ पड़ता है। तो क्या इस ज़मीन धंसने का इस हदीस मुबारका से कोई ताल्लुक है? क्या कयामत आने से पहले जो ज़मीन धंसेगी, ये जो ज़मीन धंसी है ये वही है या नहीं, ये सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा। पहले आइए जहां ज़मीन धंसी है उस इलाके के कुछ वीडियो देख लेते हैं, कुरान शरीफ की खूबसूरत तिलावत के साथ जो कारी हमादुल्ला साहब की आवाज़ में है। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया, वीडियो के अंदर वो जगह भी आप लोगों ने देखी जहां पर जमीन धंसी है। अब आइए उस सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या ये वही जगह है कुर्ब कयामत से पहले जहां जमीन धंसाई जाएगी, क्या ये वही जगह है? तो उसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हदीस मुबारका में जो तीन जगह पर ज़मीन को धंसाने का जिक्र आया है वो बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीन धंसाई जाएगी। ये कोई बड़े पैमाने पे थोड़ी। और आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है बीकानेर या जहां अभी ज़मीन धंसी है, यहां पर ज़मीन धंसने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2 से 3 मरतबा बिल्कुल ऐसे ही ज़मीन धंस चुकी है। मुझे वीडियो मिलेंगे तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हो। 2 साल पुराने वीडियो भी मौजूद हैं और तकरीबन 6-7 साल पुराने वीडियो भी मौजूद हैं। 6-7 साल पहले भी ज़मीन धंसी थी, 2-3 साल पहले भी ज़मीन धसी थी। इस मर्तबा खड्डा थोड़ा बड़ा है इसलिए चर्चा में ज्यादा है, पर इतना बड़ा भी नहीं कि जिसका जिक्र हदीस मुबारका में आया है। हदीस मुबारका में जो तीन जगह पर जमीन धसाई जाएगी वो बहुत बड़ा इलाका और बहुत बड़े पैमाने पर जमीन धसाई जाएगी। हमारे कुछ मुसलमान यूट्यूबरों ने इस खड्डे को कयामत की उस निशानी की तरफ जोड़ना शुरू कर दिया है। अब इससे पहले कि और भी ज्यादा वीडियो आए इस खड्डे को इस हदीस के सबूत के साथ आपके सामने पेश करें, उससे पहले सच्चाई यही है कि ये वो जगह नहीं है। वो जो हदीस में जिक्र आया है वो बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीन धंसाई जाएगी। ये जो ज़मीन धंसी है इसके पीछे कुछ और वजह है। पहली बार नहीं धंसी है, इससे पहले भी 2-3 बार इसी जगह के आसपास पहले भी ज़मीन धंस चुकी है। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाइए, बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इसलाह करें। अस्सलामु अलैकुम।